हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और फाइनली गाइज, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro एंड 10 Pro Max के यूजर्स के लिए जो यार MIUI 30 यहाँ पर रिलीज कर दिया है, और मैंने जो अपने फोन के ऊपर जो इसे जो फ्लैश भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ हमें नया देखने को मिल जाता है, क्या चाइना के जैसा जो हमें इसके अंदर जो इंटरफेस या फिर सभी फीचर जो देखने को मिल जाते हैं या फिर नहीं। तो यार Redmi Note 10 सीरीज की बात करें तो यार Redmi Note 10 Pro एंड Redmi Note 10 Pro Max के यूजर्स के लिए जो ये अपडेट जो है मतलब रिलीज कर दिया है। और ये अपडेट जो यार आप लोगों को अभी अपने फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये अपडेट कहां पर रिलीज किया है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जो जानने वाले हैं। फिलहाल गाइस यहां पर देख सकते हैं, सेटिंग के अंदर मैं चले जाता हूं तो यहां पर अबाउट फोन के अंदर जो देख सकते हैं Redmi Note 10 Pro है। और यहां पर जो वर्जन की बात करें तो यार MIUI 13.0.2.0 देखने को मिल जाता है। यहां पर फुल स्क्रीन गेस्चर मैंने इनेबल नहीं किए यार, इसलिए वो जो आदत हो चुकी है। फिलहाल जो यहां पर यार नेविगेशन बटन्स देख सकते हैं, थोड़े बहुत जो आप लोगों को इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड टाइप आप लोगों को देखने को मिल जाता है ये जो आइकॉन जो है, और थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा देखने को मिल जाता है टच करते टाइम। यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो यार एंड्रॉइड वर्जन भी देख सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट जो हमें इसके अंदर जो देखने को मिल चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे इसके अंदर जो 12 बजा देते हैं हम, तो यार यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 का लोगो आ जाता है, जो कि यार काफी अच्छी बात है। यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 का हमें जो सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल चुका है। गाइस चलो अब जो इसके अंदर जो सिक्योरिटी पैच की बात करें तो यार 2022 का जनवरी का, यानी कि जो अभी मंथ स्टार्ट है, उसका ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी काफी अच्छी बात है। और ये बात करूं मैं तो गाइस, ये जो सिर्फ और सिर्फ बीटा यूजर्स के लिए अभी जो ग्लोबल के अंदर जो अपडेट रिलीज किया है। आपको पता होगा कि यार ग्लोबल के अंदर अपडेट आता है, देन इंडिया के अंदर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 दिन लगते हैं। मे भी जो है अपडेट जो है आपको अभी कभी भी देखने को मिल सकता है, इतना टाइम भी वेट करने को ना लगे। कभी कभी जो यार अपडेट जो डायरेक्टली आ जाता है, 10 से 15 दिन भी नहीं लगते। तो मैं यार आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप जो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो चलो फटाफट से इसके जो फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ हमें जो है चेंज लॉग देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो यार कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यार कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, हमें पुराना ही कंट्रोल सेंटर इसके अंदर देखने को मिल चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना के अंदर भी यार अपडेट आने के बाद ही एक बीटा अपडेट आया था, उसके बाद उसे चेंज किया गया था। तो यार फर्स्ट बिल्ड के अंदर जो ये बीटा बिल्ड है, तो इसके अंदर अभी तक जो यार हमें मतलब पुराना वाला ही देखने को मिल जाता है। लेकिन आप जो इसे चेंज करना चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेट आप लोगों को जब मिलेगा तो मे भी जो स्टेबल के अंदर चेंज देखने को मिल सकता है सब कुछ। तो मैं जो फिलहाल आप लोगों को करके भी दिखा देता हूं कि क्या पता यार इसके अंदर वर्क करता है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं यहां पर दो एप्लीकेशन है, कास्ट वाला और सिस्टम यूआई प्लगइन। तो ये सिर्फ और सिर्फ यार एंड्रॉइड 12 के ऊपर काम करता है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को पता होगा कि अगर आप जो डायरेक्टली MIUI मतलब एंड्रॉइड 11 के साथ इसे ट्राई करोगे तो आपके फोन के साथ कुछ भी हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ऐसा वैसा बोला जा रहा था। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 12 के ऊपर आप जो काम करता है। तो यहां पर अपडेट करके देख लेते हैं कि क्या पता हमें जो एंड्रॉइड 12 के साथ जो है जो हमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है वो जो हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं इसको अपडेट करने के बाद। तो देख सकते हैं हमने इसे अपडेट कर लिया है। और दैट्स इट गाइस, यहां पर देख सकते हैं हमारा नया कंट्रोल सेंटर जो कि MIUI 13 के साथ हमें जो देखने को मिलने वाला है वो जो यहां पर फाइनली आ चुका है। और ये जो देख सकते हैं परफेक्टली यार वर्क कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन मेरी शार्प करनी पड़ेगी, तो मैं फटाक से शार्प करके आप लोगों को दिखा देता हूं, यार इरिटेट कर देता है वो। तो जी हाँ गाइस, आप लोग जो इनेबल तो कर सकते हैं, इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि यार ये जो आपको अपकमिंग अपडेट के साथ देखने को मिल सकता है या फिर यार स्टेबल अपडेट के साथ भी देखने को मिल सकता है। ये जो बीटा बिल्ड है आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं। और यहाँ पर जो कंट्रोल के सेंटर के अंदर ही आपको जो म्यूजिक प्ले वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां से आप जो कम ज्यादा आवाज वगैरह कर सकते, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते। हाँ गाइस, थोड़ा सा इसके अंदर जो अभी फिलहाल लैग देखने को मिल रहा है, नॉर्मल सा कभी कभी जो लैग इसके अंदर जो महसूस होता है। तो यार ये जो बीटा बिल्ड है, मैं भी जो आपको जैसी स्टेबल बिल्ड देखने को मिलेगी उसके अंदर और भी आप लोगों को इसके अंदर इंप्रूवमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से और इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाता है यार MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, जो कि आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो अपडेट होने के बाद ही चेंज होता है। यहां पर जो गाइस सेटिंग के अंदर चल के मैं आप लोगों को इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बता देता हूं, जो कि आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे।
सबसे पहले तो गाइस काफी लोगों के कमेंट्स आएंगे कि इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर क्या हमें चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो हम 10 सेकंड का यूज करते थे उसे जो अब जो हम लाइव मतलब परमानेंट यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हैं यार 10 सेकंड का लिमिट अभी तक नहीं गया, यानी कि आप जो इसके अंदर भी 10 सेकंड से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पर आप बोल जाना कि यार हमें जो 10 सेकंड से ज्यादा जो टाइम देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के बाद, तो ऐसा सीन नहीं है गाइस। आप लोगों को जैसा पहले था वैसा ही देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, ज्यादा आप लोगों कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते, एज इट इज वैसा ही सब कुछ जो देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के अंदर ज्यादा चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जो एज इट इज हमें जैसा पुराना लुक था वैसा ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को इसके अंदर भी ज्यादा कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो देख सकते यार एज इट इज वैसा ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जैसे जाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को एज इट इज वैसा ही देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर स्मार्ट होम के ऊपर जैसे आप चले जाते हो तो यहाँ पर एंड्रॉयड एस ईस्टर एक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि पहले एंड्रॉयड आर था एंड्रॉयड 11 के लिए, लेकिन अब जो एंड्रॉयड 12 आ चुका है तो एंड्रॉयड एस यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो आप इसे यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। वैसे अपडेट आने के बाद यार फुल रिव्यू जो भी मैं डालूंगा उसके अंदर सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो आप जो चैनल को कंटिन्यू यार यहाँ पर ज्वाइन करके रख सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यार इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जहां से आप जो ओल्ड वाला और पुराने वैसे नए में जा सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी यार आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन के अंदर जो यार एज इट इज वैसा ही सब कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर नेविगेशन बटन से यहाँ पर जाता हूँ गेस्चर के अंदर, तो गेस्चर के अंदर देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हैं यार यहाँ पर तो ज्यादा कुछ हमें जो चेंजेस देखने को नहीं मिलते। हाँ थोड़ा बहुत तो यार लैग मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, तो यार मे भी ये बीटा बिल्ड है इसकी वजह से ऐसा सीन है या फिर क्या है पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो जी हाँ थोड़ा सा लैग वगैरह देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को और भी यार सिस्टम के अंदर जाकर चेंजेस दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पर सेफ्टी एंड इमरजेंसी के नाम से कुछ नया ऑप्शन देखने को मिल चुका है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाँ गाइस सेफ्टी एंड इमरजेंसी के नाम से जो हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जो ये किस तरीके से काम करता है वो जो यार इंडिया के अंदर जैसे स्टेबल अपडेट आएगा तो मैं जो आप लोगों को डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल यार वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, हमें सिर्फ फीचर्स के बारे में जानना है या फिर चेंजेस क्या इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं इसके बारे में जानना है। बाकी बैटरी के अंदर जैसे चले जाते हैं तो यार एज इट इज हमें परफॉर्मेंस मोड, सेव बैटरी मोड वगैरह पहले भी देखने को मिल जाता था, जिनको अभी तक नहीं मिला था उनको जो इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाने के बाद भी देख लेते हैं कि यार इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके अंदर 100 मोड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ऑफिशियली आ चुका है, जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका जो यार वीडियो इसके अंदर जो चल रहा है वो जो यार थोड़ी सी क्लिप मेरे ख्याल से अलग है, तो देख सकते हैं यार पहले ऐसा नहीं था। तो इसे यूज करके भी मैं दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का है। तो आप लोगों को सिंपली जो इसे आप लोगों को 100 करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्वाइप करना है, देख सकते हैं फुल स्क्रीन कैप्चर के अंदर भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप जो इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसे ऊपर स्वाइप करोगे तो ये जो 100 मोड जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो देख सकते हैं इस तरीके से काम करता है, लेकिन ये फुल स्क्रीन कैप्चर के ऊपर ही काम करता है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बाकी यहाँ पर जो मेमोरी एक्सटेंशन वाला ऑप्शन तो पहले भी हमें देखने को मिल जाता था, यहाँ पर 2GB तक जो है रैम आप जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं अपने स्टोरेज में से, तो इसके बारे में ज्यादा आप लोगों को बताने नहीं वाला हूं मैं, क्योंकि यार आप लोगों को तो पहले ही पता होगा। बाकी यार नीचे आप जैसे चले जाते हैं तो यार यहाँ पर देख सकते हैं मी अकाउंट का जो थोड़ा सा जो है आइकॉन वगैरह बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर आप लोगों को पहले अलग से देखने को मिल जाता था। मे भी जो है बैकग्राउंड में जो है जो कलर है वो जो पहले देखने को नहीं मिलता था, तो इस तरीके का यार यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाता है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यार स्पेशल फीचर्स के अंदर जो स्लाइड बार है जो कि साइड बार नाम से चेंज हुआ था वो जो यार हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। टूल बॉक्स वगैरह आप जो यूज करना चाहते हैं तो आप जो इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसे इनेबल कर देंगे ये जो परमानेंटली आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का एक पॉपअप रहेगा जिसको आप जो है स्वाइप करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वैसे यार आप जो ये MIUI मतलब 12.5 या फिर 12 के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो ये तो यार आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये जो इंटरफेस है कुछ डिवाइसेस के अंदर काम नहीं कर रहा था। लेकिन यार MIUI 13 के साथ ये जो आप लोगों को नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, MIUI 12.5 के साथ जो ये थोड़ा सा इंटरफेस जो कुछ डिवाइसेस के अंदर काम नहीं कर रहा था, बाकी यहाँ पर गेम्स वीडियो एप्स वगैरह सब कुछ जो एज इट इज आप लोगों को वैसा ही देखने को मिल जाता है। ये जो यार बीटा बिल्ड है इसके अंदर थोड़ा बहुत जो टेस्टिंग वगैरह के लिए जो प्रोवाइड की जाती है,
तो इसके अंदर ज्यादा चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे अपडेट आएंगे आप लोगों को थोड़े थोड़े चेंजेस जो है देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं यार यहाँ पर लोडिंग वगैरह सब कुछ जो आप लोगों को ऑफिशियली जो यार MIUI 13 का लॉन्चर है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। काफी लोगों के एक ऑप्शन आप लोगों के कमेंट्स आएंगे बाद में कि अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स अब जो हम कर सकते हैं या फिर नहीं इस अपडेट के अंदर। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं जाता हूँ एप्स के अंदर, मैनेज एप्स का है ऑप्शन, अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स का भी ऑप्शन है, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर यार कोई भी पहले जैसा ही सीन है, अब Xiaomi कब देगा पता नहीं। MIUI 13 के साथ मे भी देखने को मिल सकता था, ऐसा मैंने बोला था पहली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, बट ऐसा सीन नहीं है। क्या पता यार स्टेबल बिल्ड के अंदर भी प्रोवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पर जो MIUI 13 के अंदर जो आप कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते सिस्टम ऐप्स को, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब जो यार कैमरे के अंदर भी चेंजेस देख लेते हैं कि कैमरे के अंदर क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। तो यार परमिशन देख सकते हैं सबसे पहले, तो जिस तरीके से आ रही है पूरा जो यहाँ पर जो इंटरफेस आप लोगों को चेंज देखने को मिल रहा है। मैं जो एक इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख लेता हूँ भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन वगैरह का ऑप्शन जो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं यार पूरा अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकेशन का किस तरीके का परमिशन है वो जो सब कुछ जो अलग देखने को मिल रहा है आप खुद देख सकते हैं। पहले आप लोगों को ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता था, वाइल दिस यूजिंग दिस एप्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके का कैमरा हो चुका है। और ऊपर देख सकते हैं यार कॉर्नर में जो है आप लोगों को यहाँ पर जो क्या आप लोगों का रनिंग कर रहा है, जो कि एंड्रॉइड 12 का मोस्ट पॉपुलर सिक्योरिटी के लिए ये फीचर है, वो जो यहाँ पर फाइनली आ चुका है एंड्रॉइड 12 के साथ, जो कि यार यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो हमारा वीडियो कैमरा यूज हो रहा है, तो ये यह जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को शूट कर लेता हूँ, तो भाई यहाँ पर वीडियो के साथ हमें जो है कोई भी सिम्बॉल देखने को तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार माइक का भी ऑप्शन इसके अंदर देना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर दो तीन ऑप्शन देखने को मिलने चाहिए थे, जो कि यार माइक भी यूज हो रहा है ऐसा वैसा यहाँ पर शो होना चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी यार यहाँ पर जो एज इट इज 4K 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेटिंग के अंदर चले जाता हूँ, तो सेटिंग के अंदर यार पहले जैसा था वैसा ही देखने को मिल जाता है मेरे ख्याल से। यहाँ पर भाई देखना पड़ेगा कि क्या कुछ यार चेंजेस हुए, क्योंकि यार ज्यादा मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ज्यादा नहीं देखा गाइस। और भाई यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर जो आप लोगों को कुछ भी नाम वगैरह अपना डालना था वो जो आप यहाँ से डाल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल जो इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे इंटरनेट कनेक्ट करूंगा ना भाई, तो इसको जो यार ऑटोमेटिकली ऐप वगैरह डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, तो यार मैं जो है नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन यार इसका ऐप ओपन क्लोजिंग एनिमेशन आप देख सकते हैं एकदम फास्ट और स्मूथ देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से। मैं जो यहाँ पर दो तीन ऐप को भी ओपन करके दिखा देता हूँ भाई। तो जी हाँ गाइस, देख सकते हैं यार किस तरीके का एनिमेशन देखने को मिल रहा है। एक बार जो हम लॉक स्क्रीन से यहाँ पर आके देख लेते भाई, तो भाई देख सकते हैं एनिमेशन यार काफी फास्ट और स्मूथ देखने को मिल रहा है, जो कि यार पूरा एप्पल जैसा आईफोन जैसा यहाँ पर फील प्रोवाइड कर रहा है। तो जी हाँ गाइस, कुछ इस तरीके का इस फोन के साथ हमें जो अपडेट देखने को मिल चुका है ग्लोबल के अंदर। आई होप ये जो जल्दी से जल्दी स्टेबल के अंदर आ जाए और हमें जो इंडिया के अंदर जो है देखने को मिले, क्योंकि यार ग्लोबल के अंदर स्टेबल में जैसे आता है पब्लिक यूजर्स के लिए, तो यार इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन के अंदर जो रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख को यार रेडमी नोट 11 सीरीज जो है ग्लोबल के अंदर जो रिलीज होने वाली है, उससे पहले मैंने बोला था कि भाई यार रेडमी नोट 10 सीरीज के लिए MIUI 13 देखने को मिल जाएगा, और वैसा ही मेरा जो शक था वो जो सही हो चुका है। और आप लोगों को पता होगा कि हिंट भी Xiaomi की तरफ से दिए गए थी, क्योंकि MIUI 12.5.10.0 वाला अपडेट जो इंडियन यूजर्स के लिए जो एक MIUI 13 बेस जो अपडेट देखने को मिल चुका था, लेकिन यार उसका पोस्टर ही सिर्फ MIUI 13 बेस था, लेकिन जैसे हम अपडेट कर लेते थे तो MIUI 12.5 ही देखने को मिल जाता था। तो उससे यार मैंने अंदाजा लगा दिया था कि भाई बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो हमें जो है काफी जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यार दैट्स इट, आई होप आप लोगों को जो ये इन्फॉर्मेशन वाली या फिर ये जो चेंज लॉग मैंने जो भी शो किया है वो जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज यार इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग जो 3-3.5 GB की फाइल थी उसे डाउनलोड किया, देन मैंने फ्लैश किया है, पूरा डेटा इसका उड़ाना पड़ा मेरे को, और फिर वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूं। तो यार एक लाइक तो बनता है यार, लाइक करने में ज्यादा कुछ नहीं जाता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यार आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिल चुके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।